तो ये है हमारा पार्सल। और पार्सल देखिए कितने खतरनाक पैकेजिंग में आया है, छेद भी हैं। आप देखते हैं इसमें निकलता है चीज़, गायब तो नहीं है, वो चीज़ हम देखते हैं। और समझ में नहीं आ रहा है इसे हम कहाँ से निकालें। करते हैं अनबॉक्सिंग, इसमें क्या क्या माल है, इसको यहाँ से निकालें। उल्टा 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 नहीं सही है। जितना तो सामान नहीं है उससे ज़्यादा हमें कबाड़ मिला है इसमें, आप देख सकते हैं इतना कबाड़ हमें दिया गया है। पता नहीं ये हमने मंगाया नहीं था, ये फ्री में है, ये कबाड़ फालतू आया है। और ये हमें स्लिप मिली है कि क्या क्या है, तो इसमें दिया गया है एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और बॉडी लोशन है, गोट मिल्क बॉडी लोशन है और हर्बल तंत्रवच टूथपेस्ट है और ऑइंटमेंट है और स्पुलिना टैबलेट है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये दंतुरम कॉलगेट है। तो इसकी खासियत मैं आपको क्या बताऊं, ये हम अपने लिए तो क्या मंगाए हैं, ये डिमांड में मंगाए हैं, मेरे मायके से नानी लोग दादी लोग घर में मम्मी पापा चाची सब लोग इसका ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नानी का क्या था, उनके यहाँ से मसूड़ों से ब्लड आता था, तो समथिंग 2 साल पहले ये एक कॉलगेट हमने मंगाया था। तो नानी ने इस्तेमाल करा, तो नानी का अब क्या है, दांतों की परेशानी से वो मतलब उनका ब्लड अलर्ट नहीं आता है, तो तब से वो यही इस्तेमाल करती हैं। और हमारे चाची हैं, रामपुर वाले चाचा हैं, वो सब लोग यही मंगाते हैं। तो ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है, मार्केट में नहीं मिलता है, तो ये हमें ऑनलाइन परचेज करना पड़ता है। ये गैलवे का है, हाँ। तो ये हमने मंगाए हैं, सब दूसरों के लिए मंगाए हैं, ये देने हैं उनको, क्योंकि सबसे फ़ोन कर रहे थे कि मंगा दो, हमारे ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तभी ये कॉलगेट उनके लिए मंगाए हैं। और ये हमारी ऑइंटमेंट है, तो ये ना बहुत अच्छी है। मैं बताऊँ तो ना, मैं रुपाई लगाने जाती थी, पौधा लगाने जाती तो पता है कमर में कितना दर्द होता है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो यही लगाती हूँ भैया। और ये हमारा है गोट मिल्क बॉडी लोशन, तो हम यही इस्तेमाल करते हैं, ध्यान नीचे जो भी है उसी से बनता है। तो इससे क्या है, जिसको भूख नहीं लगती है, मतलब बहुत चीज़ों में ये काम आता है, भूख नहीं लगती है, जिसको कमजोरी होती है, तो उसी के लिए है। तो मैं बताऊँ तो मैं अपने से बता रही हूँ, मैंने 1-2 डिब्बी खाई हैं, तो 2 डिब्बी में मुझे तो बहुत अच्छा खासा असर हुआ इसका, भूख भी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बॉडी वॉडी बढ़िया लग रही थी। तो फिर 2-3 डिब्बी खाई थी, उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद मैंने नहीं खाई। तो अभी फ़िलहाल मंगा लिया कि कभी कभार खा लेंगे, तो ज़्यादा हमारा डब्बा खाली है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये और किसी के हैं, किसी और के लिए मंगाए थे, नानी लोग सब ने कहा कि मंगा दो, ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए ये हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं। और इनको हम देने जाएंगे, इस तरह मायके के लिए हैं, क्योंकि कोई पहले से रख लेते हैं वो 2-3, क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे यहाँ तो मिलते हैं नहीं। इसमें लौंग का टेस्ट, इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप मतलब वैसे तो पता नहीं, लेकिन इसका टेस्ट वाकई में इतना अच्छा है ना, इतना कूल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी समय हो गया है 2:30 बजने वाला है, बज क्या 2:30 से ऊपर ही हो गया है, और बुखार अभी थोड़ा बहुत ठीक है, और थोड़ा सुबह भी फिर दवाई ववाई खाई तो अभी ठीक है। तो अभी हम खड़े हैं रोड में, और क्योंकि हमारा पार्सल आने वाला है, कुछ मंगाया था सानिया के लिए, तो वो फ़ोन आया था कुरियर वाले भैया की, रास्ते में पहुंच जाओ। और हमारी ये बेचारी साइड में पट्टी है, ये किसी को मिलती नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कहाँ आना है कहाँ आना है, तो उन्हें बता रहे हैं हम कि इधर आना है इधर आना है, तो ये छोटा सा इधर है ना, तो किसी को मिलता है नहीं, तो भैया हम इंतज़ार कर रहे हैं इधर खड़े, क्योंकि उसको हमें ही रोकना पड़ेगा, कि ये किसी को मिलती नहीं है ना, साइड में है ना, तो यहाँ खड़े हैं और पार्सल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसने पार्सल तो मंगा लिया है, पर इसे सदमा लग रहा है कि पैसे तो चले जाएंगे, पर सामान चाहिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना दच्छू। तो फिर खड़े हैं, गर्मी बहुत है, इंतज़ार कर रहे हैं, और स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे ही है, बुखार उखार। और रक्षाबंधन आ गई है ना, तो कुछ त्यौहार होता है तो आपको पता है ऑटोमेटिक आदमी बीमार हो जाता है, तो हमारे भी यही हाल है। दच्छू अभी नहा धो के हीरोइन बनी पड़ी है, बाल देखो इसके सुंदर से। दच्छू बात करो, हाँ हेलो, बात करो इनसे। हाथ में क्या लिखा है? हाथ में ये ब्लाउज की नाप लिखी है, अब कपड़े सिलाई करेंगे ना, तो रोड में देखो भैया
तो अभी कोई नहीं आया है, रोड हमारी पूरी सुनी पड़ी है और हम तीन लोग इंतजार कर रहे हैं। और 500 का था ये, खुले ढूंढ के लाए हैं बड़ी मुश्किल से। तीन रुपए ही तो नहीं, 3 रुपए है। हाँ ये है तो पार्सल आ गया है सानिया का। क्या मंगाई सानिया, क्या मंगाई है? खोल के पता चलेगा। अभी अभी दिखाई सानिया की हम क्या मंगाई है, ये है गुप्त चरमा। तो ये था 245 का। हाँ और ले गया है 245 रुपये। अभी देखते हैं क्या माल है इसमें। तो पारो देख, पारो तो अंधाधुंध लगी है सिलाई करने में। ये देख लो, ये सिलाई ऐसी सीख रही है कि कतई ये धुआं बना ली है। बहुत सा सूट खरीद ली है, कतइए 2-4 और सिलाई कर रही है। और ये चुपके चुपके तो घेर है, ये चुपके चुपके फाड़ रही है। अब नहीं तो फाड़ दिखा भैया, तो ये दिखा रही है अभी खोल के। सानिया दिखाएगी अभी क्या लाई है ये। ओ माय गॉड, ये क्या निकल रहा है? इसमें तो बैग है। अरे इसमें बैग है भाई, मंगाया तो कुछ और था। ये देखो सानू का आ गया है बैग। ये थैली से तो निकाल के दिखा, ये मंगाया था मीशो से, वाटर प्रूफ बैग है ये। अब देखते हैं 200 के हिसाब से, मतलब 243 के हिसाब से ये सही है कि नहीं। इसका कपड़ा अपड़ा देखते हैं अभी। तो कपड़ा तो मैं क्या बताऊँ, बहुत सॉफ्ट है, मतलब अच्छा लग रहा है। और उसके साथ ये भी आया है पैसे रखने के लिए। ये देखिए, ये निकाल दो इसमें से। तो ये मीशो से मंगाया है। और सिल गया सूट, दिखाइए आप अपना। ये आजकल डिजाइनर सूट सिलने लग गई है। देखिए बाजू दिखाइए हमारे दोस्तों को। ये देखिए कटिंग वाली बाजू बनाई है ये बस थोड़ी ढीली सी लग रही है। थोड़ी क्या, बहुत ढीली है। हम बना रहे हैं। तो सूट देखिए बहुत अच्छी लग रही है। रक्षू मेरा बैग देखने आ। ये सूट ये रक्षाबंधन में पहनने वाली है। रक्षू बैग लटका के दिखा दो बेटा, पीछे बैग लटका दे, लटका का तो इसके पीछे जरा। कैसा लगा दच्छू सानिया का बैग? अच्छा। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तुझे लग रहा है? इसके बीच में गिरनी वाला है क्या? हाँ यार, चल लटकाओ दच्छू को, लटकाओ भैया। ये दिखा तो, पीछे हो के दिखाना पीछे। अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। अरे अभी हो गई है शाम और शाम के सारे घर के काम हो रहे हैं। यहाँ हमारे भांजे जी मशीन बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन, वो शायद ख़राब हो गई है। तो यहाँ पारो साफ़ सफाई कर रही है जहाँ कपड़े सिले थे, और मैं बना रही हूँ खाना। और घर के कुछ ना कुछ काम, कोई चारा काट रहा है, कोई भूसा लेने गया है। शाम को सारे काम चलते रहते हैं। और मशीन का पता नहीं क्या हो गया था, तो भांजे को ठीक करना आता है तभी वो तैयार कर रहे हैं। और आज का मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ कुछ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, बुखार अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो ऐसे ही छोटा मोटा ऐसे ही सूट कर ले रही हूँ। और दच्छू यहाँ सैतानी कर रही है, और सब लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और जो आगे मैंने ब्लॉग दिखाया वो कल का शूट किया था मैंने। तो आज का ब्लॉग मैं ही समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो बस इतना ही, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।